Hey guys, subscribe and press the bell icon and never miss any update. Hello friends, मैं हूं भावेश। आज हम बात करेंगे VR headset के बारे में। भाई VR तो सभी यूज करते हैं, ज्यादातर गेम्स खेलने में, मूवीज देखने में, 3D एंटरटेनर में, सारी चीजें VR से होती है। VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, एक ऐसा डिवाइस जिससे कि हम मोबाइल में देखते हुए, फोन में देखते हुए अपनी रियल दुनिया में चले जाते हैं, देखते हैं, ऐसा लगता है हमें कि ये हमारे साथ ही हो रहा है। लेकिन मैं बताऊंगा ये कैसे यूज होता है, कहां सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, किसने सबसे पहले इसे यूज किया गया था, ये कितना एडवांस हो गया है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बन रही इस वीडियो मेरे साथ। VR हेडसेट एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो हम गेम्स, मूवीज, ये सारी चीजें देख सकते हैं और रियलिस्टिक दुनिया में आ सकते हैं फिजिकली, जैसे हमें फील होगा कि हम इसमें ही इन्वॉल्व हैं, यहीं खड़े हुए हैं और हमारे सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। ये VR हमें एक्सपीरियंस कराता है इस चीज का। लेकिन ये भाई हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेकिन वो मैं ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल गेमिंग के लिए यूज होता है वर्चुअल रियलिटी, जो हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा फील होता है भाई। ये हेड पर पहना जाता है, एक ग्लास वगैरह लगा हुआ होता है इसमें 3D टेक्नोलॉजी में, और जिससे कि हम आगे की दुनिया का महसूस कर पाते हैं कि भाई ये कैसे फील हो रहा है, बड़ा मजा आता है। ये बस पूछिए मत, आप खुद यूज कीजिए, देन फील कीजिए इसे कि कितना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। ये मोस्टली यूज भी किया होगा, लेकिन जिन्होंने यूज नहीं किया देन गो फॉर इट। वर्चुअल जो रियलिटी है भाई वो 1994 में इंट्रोड्यूस की गई थी विदाउट हेडसेट के द्वारा, एक ऐसी रियलिटी जिससे कि इंसान देख पाए अब टीवी में अपनी रियलिस्टिक दुनिया को। लेकिन इसके बाद 1997 में सबसे ज्यादा मतलब यूज में आई, थोड़ा बहुत मार्केट में इंट्रोड्यूस की गई। और भाई अगर इसे आपको यूज करना अपने फोन में, तो जायरोस्कोप सेंसर आपके फोन में होना जरूरी है, उसी के जरिए आप इसे यूज कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, अब तो भाई काफी सारे VR हेडसेट आ गए हैं जो वर्चुअल रियलिटी का फील कराते हैं। हेडफोन भी अब तो इंक्लूड आ गए हैं, और उन्हें वियर कीजिए, स्मार्टफोन इंक्लूड कीजिए, 6 इंच तक आप स्मार्टफोन लगा सकते हो उसमें और वर्चुअल रियलिटी का आनंद उठा सकते हैं। जैसे गेम्स वगैरह खेलना, आपको फील करना है कि भाई मुझे भी इसमें इन्वॉल्व होना है या देखना है कैसे, तो गेम्स वगैरह में एक्सबॉक्स में आप लगा सकते हैं और देन उसे फील कर सकते हैं। एंटोनियन आर्टोड ने 1860 में इसकी नींव रखी, मतलब स्टार्ट किया थिएटर से इसे यूज करना। उसके बाद में 1950 से 70 के बीच में ये थोड़ा थोड़ा काम में आने लगा, आई मीन टू से ये थोड़ा एडवांस हो गया और ये यूज होने लगा थिएटर। 1970 से 1990 के बीच में भाई इसका 3D एक मॉडल बनाया गया, जिससे कि एक ग्लास उसमें फिट किया जा सके और इजीली देखा जा सके, एक मॉडल बनाया। उसके बाद में 1990 के बाद में इसे थोड़ा सा एडवांस किया गया और उसका पूरा एक फिगर टाइप का बना लिया गया जिसमें ग्लास इजीली फिट हो सके। 1990 से 2000 के बीच में एक कार्डबोर्ड का, गूगल कार्डबोर्ड बनाया गया, काफ़ी बड़ा लकड़ी का है ये, और एक रूम में रखा गया और यूज किया गया थोड़ा बहुत दिनों के बाद। उसके बाद आफ्टर 2000 ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया, 2000 से 2015 में, 2000 से 2015 के बीच में ये उतने बड़े कार्डबोर्ड को एक छोटा सा लाइक अ मोबाइल साइज जिसमें फिट हो सके लकड़ी का बनाया गया। लेकिन आफ्टर 2015 ये 230 कंपनीज के द्वारा इन्वेंट किया गया VR हेडसेट, तो जिसमें प्रोकस है, सैमसंग है, काफ़ी सारी कंपनीज है, नेम भी मुझे याद नहीं है इतने, और उन सारे के जो द्वारा इन्वेंट किया गया और तरह तरह की इन्वेंशन की गई है। स्टार्टिंग होता है 300 से और सैमसंग का जो VR होता है वो आता है 4,000-4,500 रुपये के करीब, 4,500 में जो अमेजोन पर आप परचेज कर सकते हैं। ये मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, क्योंकि भाई जब कंपटीशन होता है तो सारी कंपनी एक साथ उतार देती हैं अपने डिवाइसेस और उसमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि पहले भाई हमें 1 GB मिलता था पर मंथ के लिए, लेकिन अब जियो आ गया तो 1 GB हमें पर डे मिलता है, सारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसको। तो ये जितना जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ऐसे कंपनी अपने अपने डिवाइसेस उतारते जाएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइजेस भी उसके कम होंगे। तो ये VR हेडसेट आप खरीदिए, लेकिन कंडीशन एक है कि जायरोस्कोप सेंसर होना चाहिए आपके मोबाइल फोन, अगर वो नहीं है तो आप उंगली से उसे हटा हटा कर 3D इमेज वीडियोज आप देख सकते हैं और एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के प्ले स्टोर से, जिसके द्वारा अगर जायरोस्कोप आपके पास सेंसर नहीं है देन उसे आप यूज कर पाएंगे। अगर जायरोस्कोप सेंसर है देन अच्छी बात है भाई, जैसे Xiaomi Redmi Note 4 उसमें जायरोस्कोप सेंसर आता है, लेकिन सैमसंग का J7 2016 उसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं आता, लेकिन और काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जिसमें जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता। तो बिफोर परचेजिंग फोन यू शुड चेक देयर द जायरोस्कोप सेंसर और नॉट इफ यू आर अ VR लवर।
अगर आप VR यूज करना चाहते हैं देन जायरोस्कोप सेंसर चेक कीजिए। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।